19 दिसंबर को आईपीएल 2020 के लिए हुई क्रिकेटरों की नीलामी में भले ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा हो, लेकिन इस नीलामी में पैसा और पॉपुलैरिटी के मामले में भारतीय युवा खिलाड़ियों का भी जलवा दिखा। एक तरफ जहां पर यूसुफ पठान, नमन ओझा और चेतेश्वर पुजारा जैसे बड़े खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला, तो वहीं दूसरी तरफ युवा क्रिकेटरों को खरीदने के लिए आईपीएल टीमों में होड़ सी लगी हुई थी। आईपीएल के 13वें सीजन के लिए हुई इस खरीदारी में यूपी के दो युवा क्रिकेटर रातों रात करोड़पति बन गए। इन यंग प्लेयर्स का नाम है कार्तिक त्यागी और प्रियम गर्ग। पहले बात करते हैं प्रियम गर्ग की। 20 लाख की प्राइस वाले इस खिलाड़ी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1,90,00,000 रुपए में खरीदा है। 30 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे प्रियम गर्ग अंडर 19 टीम के कप्तान भी हैं। अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की कमान प्रियम ही संभाल रहे हैं। सचिन को अपना आदर्श मानने वाले प्रियम ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच नवंबर 2018 में गोवा के खिलाफ खेला था। प्रियम ने 12 फर्स्ट क्लास मैचों में 66.69 की औसत से 867 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। प्रियम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। प्रियम के इस शानदार खेल का इनाम उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने दिया है। अब बात करते हैं कार्तिक त्यागी की। 8 नवंबर 2000 को हापुड़ जिले के धनौरा गांव में जन्मे कार्तिक 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। प्रियम गर्ग की कप्तानी में कार्तिक त्यागी भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना आदर्श मानने वाले कार्तिक एक किसान के बेटे हैं। 30 लाख की बेस प्राइस वाले कार्तिक को 19 दिसंबर को राजस्थान रॉयल्स ने 1,30,00,000 की बोली लगाकर खरीदा। कार्तिक ने अपनी प्रतिभा के दम पर यूपी अंडर 14 और अंडर 16 क्रिकेट टीम में जगह बनाई। इसके बाद उनका चयन अंडर 19 टीम में हुआ और अब कार्तिक अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हैं। अपनी स्विंग और रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले कार्तिक ने अंडर 16 मैचों में 50 विकेट लिए। रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में उन्होंने रेलवे के खिलाफ 3 विकेट चटकाए। कार्तिक ने कूचबिहार ट्रॉफी में 41 विकेट झटके, तो वहीं क्वाड्रेंगल ट्रॉफी में अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट लिए। इंग्लैंड टॉर में उन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए। अफगानिस्तान टॉर में 6 विकेट, विजय हजारे ट्रॉफी में उन्हें 9 विकेट मिले और रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 3 विकेट चटकाए। फिलहाल ये दोनों क्रिकेटर अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हैं। अगले साल दक्षिण अफ्रीका में हो रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाने के लिए ये दोनों खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों युवा क्रिकेटर भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप दिलाने के बाद आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया का दरवाजा नॉक करेंगे।